मीना 2000 रुपए निकालने के लिए, ये रुपए का साइन है, ये जो साइन होता है ये रुपए का होता है, 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक में, कितने रुपए निकालने के लिए? 2000। यहाँ आ जाओ, 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक में, उसने खजांची से कितने रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए, उसको जरूरत होगी 50 और 100 के नोट की, ठीक। उसने कहा कि खजांची कौन हुआ, जो बैंक में क्लर्क होता है, ठीक है। उसने उसको आवेदन दिया कि भाई 2000 रुपये मुझे चाहिए, लेकिन 2000 रुपये जो होंगे वो 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों के हिसाब किताब से होंगे। मीना ने कहा कुल 25 नोट प्राप्त, उसे कितने नोट मिले? 25। खजांची ने लिए 25 नोट गिनते थे। अब उसमें ये नहीं पता हमें कि 100 रुपये के कितने नोट हैं, 50, और कितने रुपये निकाले उसने कुल मिला के, और कितने नोट लिए। अब हमें ये ज्ञात करना है कि 100 रुपये के नोट कितने हैं उन 25 नोटों में और 50 रुपये में, और जो ज्ञात करना होता है क्या करते हैं उसे, दो चीज़ें ज्ञात करनी है, एक को एक्स मान लेंगे, देखो माना एक नंबर तो ये मिल जाएगा जिसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उसको एक नंबर यही बात लिखने का मिल जाएगा। माना 50 रुपये के नोट एक्स नोट तथा 100 रुपये के कितने नोट वाई नोट प्राप्त, यानी एक्स और वाई जो है वो संख्या है किसकी, किसकी संख्या है, नोटों की, कौन से नोटों की, 50 के नोटों की संख्या एक्स है और 100 के नोटों की संख्या वाई, कुल नोटों की संख्या कितनी है, 25। कुल नोटों की संख्या साफ साफ दिखाई दे रही है हमें कितनी है, 25, यानी एक्स नोट और वाई नोट 50 के नोट और 100 के नोट दोनों मिला के कितने रुपए के हो गए, 25। कितने रुपए के नहीं, संख्या में कितने, जैसे आपके पास 100 के 5 नोट है तो नोट कितने हैं, 5, और रुपए कितने बने, 500। कैसे बने, 5 के 100 से गुणा कर दी, आपके पास 20-20 के 3 नोट है, कितने रुपए बने, 60। कैसे पता लगा, 20 के 3 से गुणा कर रहा है, दिमाग गुणा कर रहा है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे उसको, 50-50 के 3 नोट है, कितने रुपए हुए, 150। कैसे पता लगा, 50 गुणा 3, दिमाग ने करी लेकिन आपको बताया नहीं कि गुणा करके आना है, मैं बता रहा हूँ ये बात आपको कि नोटों की संख्या से नोट का जो अमाउंट है उसको गुणा करने पर कुल अमाउंट प्राप्त हो जाता है। एक एक रुपए के आपके पास अगर 20 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए, एक एक रुपए के 20 सिक्के हैं, कितने रुपए हुए, 5-5 रुपए के 15 नोट है, कितने रुपए हुए, 5 रुपए के 15 नोट है, कितने हुए, क्योंकि 15 पंजे मुझे समझता है 75, नोटों की संख्या को नोट की जो वैल्यू है उससे गुणा कर, ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि कुल रुपए कितने लिए उसने, 2000। कुल रुपए कितने थे, 2000। अब हम 2000 रुपए जो है ये 25 नोट है 2000 रुपए के, ठीक है। अब उसमें से एक्स नोट कितने रुपए के, 50 रुपए, तो कितने रुपए बने, एक्स नोट अगर 50 रुपए के तो कितने रुपए बने, अगर मान लो ये 2 नोट होते, 50 के 2 नोट होते, कितने रुपए बनते, 3 नोट होते कितने बनते, 5 नोट होते कितने बनते, 50-50 5 नोट है, कैसे पता लग रहा, गुणा करके तो पता लग रहा है, अगर 50-50 के एक्स नोट है तो कितने रुपए बने, 50 और 100-100 के वाई नोट है तो कितने रुपए बने, और कुल मिला के कितना हो गया, ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर। अब हमें 1 और 2 को क्या करना है, हल करना है, हल करके किसके मान निकल के आएंगे, और एक्स क्या है, 50 के नोटों की संख्या, और वाई क्या है, हल करने के लिए उसने पहले ही बता दिया है कि केवल और केवल इसको आप विलोपन विधि से हल करेंगे, कौन सी विधि से, विलोपन मतलब गायब करने वाला मेथड, तो विलोपन विधि में या तो एक्स को विलोपित करेंगे या वाई, विलोपन करने के लिए सबसे जरूरी चीज है गुणांक बराबर होने चाहिए, किसके, चर के, कौन से चर के, जिसे विलोपित करना है, अगर एक्स को विलोपित करना है तो एक्स का गुणांक यहाँ 50 है तो कितना होना चाहिए, 50, और अगर वाई को विलोपित करना है तो यहाँ वाई गुणांक 100 है तो यहाँ कितना होना चाहिए, 100। अगर इसका गुणांक मुझे 100 बनाना है तो पूरे समीकरण को 100 से गुणा कर दूंगा, और इसका गुणांक 50 बनाना है तो पूरे समीकरण को 50 से, तो समीकरण, समीकरण का मतलब ये है कि सबको बराबरी का अधिकार मिले, ठीक है,
तो क्या बनाओगे, इसका गुणांक 50 बनाओगे या इसका गुणांक 100 बनाओगे? इसका गुणांक 50 बना लेते हैं, तो इसे किससे गुणा करते हैं? समीकरण एक लिख दीजिए, समीकरण एक किससे गुणा करने पर? 50 से गुणा करने पर एक नई समीकरण मिल जाएगी। करिए गुणा, 50 से x की गुणा करो तो 50 से, 50 से y की गुणा करोगे 50y, 50 की 25 से करोगे, चलो लिख दो ऐसे 25 बन जाए, ये कौन सी समीकरण आ गई? किससे आई है? एक से। तो इसको हल करने के लिए इसके नीचे मैं एक लिखूंगा या दूसरे समीकरण लिखूंगा? दूसरी, क्योंकि ये समीकरण तो किसी से आई है, इसको इसके साथ हल नहीं कर सकते। अब इसको दूसरे समीकरण से हल करेंगे। दूसरी है कि दूसरे समीकरण के आधार पर इसका गुणांक 50 था, तभी तो 50 से गुणांक किया, प्लस 100y बराबर 2000। ये कौन सी समीकरण थी? अब बताओ जोड़े या घटाए दोनों को? जोड़ने पर तो कोई गायब नहीं होगा, लेकिन इसमें से ये घट जाएगा, दोनों बराबर है, ये जीरो आ जाएगा। तो लाइन खींचते और लिख देते हैं क्या, जब घटाएंगे तो ये प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, तो था ही प्लस। तो 50 में से 50 गया जीरो। अब 50 में से 100 तो घट नहीं सकता, 100 में से 50 घटाओ कितना है? और निशान 100 का आएगा क्योंकि 100 बड़ा है। इधर कितना हुआ? 12 से 50 में से माइनस करना है 2000, तो बड़े में से छोटे में से बड़ा माइनस नहीं होगा। अब 2000 में से 12 से 50 घटाओ, 2000 में से 750, बिल्कुल प्लस का माइनस का, माइनस से माइनस का निशान अगली लाइन में काट देंगे। तो ये आ गया 50y बराबर 750। अब दोनों तरफ 50 से भाग कर दो, ये था 50y और ये था 750, इसे भी 50 से भाग कर दिया और इसे भी 50 से, क्योंकि दोनों तरफ अगर आप कोई समीकरण के LHS RHS दो चीजें बराबर दे रखी है, तो आप चाहे दोनों तरफ कोई संख्या जोड़िए, चाहे दोनों संख्या घटाइए, चाहे किसी से गुणा करिए, चाहे किसी से भाग करिए। 50 से भाग कर दिया तो 50 से 50 कट गया, y बराबर कितना आ गया? 750। हम हमेशा इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, ये वाला स्टेप हम लिखते हैं, हम कहते हैं 50 गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा? भाग। तो वो भाग इसलिए करता है, जिसकी समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो ऐसे आदमी को 50 गुणा कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा? कितना आ गया? 5×5, 5×5 y का मान कितना आ गया? 15। अब क्योंकि x प्लस y का मान कितना था? यहाँ पर y का मान 15 रखो, क्योंकि y बराबर कितना है, तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा? माइनस 15। x कितना आ जाएगा? 50 के कितने नोट है? अतः ₹50 के 10 नोट तथा ₹100 के कितने नोट होंगे? चाहे देख लो कितने रुपए बैठने हैं, 100 के 15 नोट कितने हुए? 1500, और 50 के 10 नोट कितने हुए? 500। 1500 प्लस 500 2000। आंसर ठीक है, समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है पांचवा सवाल, ये भी हमें लिखना पड़ेगा, किताब तो हम लोग लेके नहीं आते।